अस्सलाम वालेकुम नादरीन हाज़रीन, आज फिर एक बार हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नए सिलसिले के साथ। और ये फिर हमने आज फिर एक प्लान ये किया कि मस्जिद में रिकॉर्ड किया। उसकी वजह ये कि काफ़ी सारे सवाल हमारे पिछले सेक्शन में रह गए थे, तो हमने सोचा कि आज उसको डिस्कवर कर लें और एक एक करके हम सवाल कर दें। और सबसे पहले हम वेलकम करेंगे अल्लामा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? आज सिलसिले को फिर आपने लेकर चलना है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि सवालात शुरू करते हैं ताकि इल्म का ज़खीरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ और जो सुन रहे हैं उनको हम पहुँचा सकें। तो हु इज़ द वन, हु इज़ नेक्स्ट वन, ये जो सवाल कर सके। सवाल सब देखिए, गरीब आदमी बहुत मर गए, घर में नमाज पढ़ रहा है, क्या उसकी नमाज घर में गई है? तो ज़ईफ़ आदमी है और इतनी ज़ईफ़ी है कि वो मस्जिद नहीं जा सकता और उसको ले जाने वाला भी कोई नहीं है। अगरचे ले जाने वाला कोई घर में ले जाने वाला है और वो उसको हाथ पकड़कर या सहारा देके ले जा सकता है, तो फिर तो उसके लिए हुक्म है कि वो हिम्मत करे, वो मस्जिद जाए। लेकिन फिर भी वो नहीं जा सकता, उसके अंदर कमज़ोरी इतनी है या ज़ईफ़ी इतनी ज़्यादा या बीमारी है कि वो मस्जिद नहीं जा सकता, और ख़ास तौर पर अकेले को ले जाने वाला नहीं है, तो उसके ऊपर समझ लें जमात जो है वो वाजिब नहीं होगी। वो घर के अंदर ही नमाज़ अदा करेगा और इंशाल्लाह उसको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसको घर में नमाज़ पढ़ने पर गुनाह नहीं होगा। और जुमा देखिए, जुमा की भी नमाज़ जो है उस पर इसी वजह से ये उज़ुर है और इस उज़ुर की वजह से उस पर वाजिब नहीं होगी और वो घर के अंदर ज़ोहर अदा करेगा, जुमा अदा नहीं करेगा, वो घर के अंदर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा। क्योंकि शरीयत आसानी चाहती है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें आसानी दी है कि जब बंदा बीमार है और वो मस्जिद नहीं आ सकता तो वो घर में नमाज़ अदा करे, लेकिन नमाज़ ज़रूर अदा करे। ऐसा ना हो कि बीमारी ज़ईफ़ी की वजह से वो नमाज ही छोड़ दे, नमाज ज़रूर अदा करें अगरचे घर में अदा करें। और अगर सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें तब भी मसला? फ़र्ज़ पढ़ लें, कोशिश करें सुन्नत मौक़ता पढ़ लें, और वितर इशा की नमाज़ के साथ वितर जो है वो वाजिब है, वितर अदा करें। तो जितना ज़्यादा कोशिश कर सकता है वो पढ़ें। सुन्नत मौक़ता का ही हुक्म है कि कभी कभार बंदा अगर छोड़ता है तो उसके ऊपर गुनाह नहीं होता, लेकिन इसकी आदत ना बनाए। रमज़ान का आखिरी अच्छा चल रहा है और मस्जिद में एहतिकाफ में जो लोग बैठे हैं जी, क्या खुशबू लगाना चाहिए? क्या चीज़ लगाना? खुशबू। खुशबू जी बिल्कुल, मोतकफिन खुशबू लगाएं, बल्कि लगाना चाहिए। और मस्जिद को मुअत्तर करना, खुशबूदार करना, ये तो सुन्नत है और इसके बारे में फजीलत है। अल्लाह के घर को खुशबूदार कर, जाहिर है खुशबू वो चीज़ है कि बंदा खुद लगाता है तो दूसरा उसके करीब वाला उससे महरूम नहीं रहता, खुशबू तो उसको चली जाती है, तो खुशबू लगानी चाहिए। और मस्जिद के अंदर एहतिकाफ वाले तो लाजमी लगाएं ताकि माहौल भी अच्छा रहे और खुशबूदार रहे मस्जिद, बिल्कुल लगानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि जो मुसाफिर अगर 92 किलोमीटर सफ़र करके जाए तो उसका रोज़ा रखना कैसा है, और अगर वो रख ले तो उसका क्या हुक्म है? मुसाफिर, इन्होंने सही 92 किलोमीटर की जो उन्होंने बात साथ ही सवाल में पढ़ दी, अच्छी बात है कि इनको ये मसला पता है कि मुसाफिर कहते किसको हैं। तो शरई तौर पर मुसाफिर कौन है? जो अपने शहर से इतने जो शहर की हद से, जो शहर का हद है यानी शहर का जो गेट होता है जिसको हम टूल प्लाजा कहते हैं, वहाँ से 92 किलोमीटर का आगे सफ़र करे बंदा कम से कम, 92 किलोमीटर से आगे का सफ़र है तो बंदा शरई मुसाफिर है। अब मुसाफिर पे अल्लाह ताला ने उसको रियायत दी है रोज़ा रखने में कि उसके ऊपर रोज़ा सफ़र की हालत में जब वो मुसाफिर है उस वक्त उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगा, लेकिन अगर वो रख लेता है, अगर वो रखता है, बल्कि रखना चाहिए अगर उसको, क्योंकि पहले तो बड़े मुशक्क़त वाला सफ़र हुआ करता था, अब जो है बहुत आसान सफ़र है, बंदा जो है 1-1.5 घंटे के अंदर इतना बड़ा सफ़र कर लेता है जो पहले 3 दिन 3 रात में हुआ करता था। ऊँटों पर हुआ करता, पहले ऊँटों पे, घोड़ों पर या पैदल लोग सफ़र किया करते थे, अब जो है वो गाड़ी में कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटे में बंदा इतना सफ़र कर लेता है। लेकिन नमाजों का हुक्म मुसाफिर के हिसाब से ही रहेगा, वो जो मुसाफिर की जो मकदार जो सफ़र की बताई है 92 किलोमीटर तकरीबन, वहाँ पर नमाज भी कसर पड़ेगा जी, नमाज भी 4 रकअत वाली जो नमाज़ है उसकी वो कसर करेगा, जो 4 रकअत नमाज फ़र्ज़ हैं यानी ज़ोहर असर और इशा में कसर करेगा, सुन्नत नफिल वगैरह सब अदा कर सकता है, वितर भी अदा करेगा। रोज़े का इन्होंने सवाल किया,
तो रोज़ा वो रखेगा, अगर रखता है तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। रोज़ा उसने रख लिया तो अब रखने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको ख्याल आए कि यार मैं तो मुसाफिर हूँ तो चलो यार अब प्यास लग रही मैं तोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता। उसने रोज़ा रख लिया तो अब उसको पूरा करना उसके लिए उस पर अब वाजिब हो गया, फ़र्ज़ हो गया कि उसको पूरा करे। अगर उसने रोज़ा नहीं रखा, मुसाफिर था उसकी छूट थी तो जी, उसने मुसाफिरियत का हक़ तो अदा कर दिया, लेकिन अब जो बाद में उसकी कज़ा लाजिम आई है, कज़ा लाजिम आई है ये, जहाँ पर भी रोज़े के लिए इजाज़त है ना छोड़ने की, वहाँ पे इतना ही छोड़ने की इजाज़त है कि भाई तुम अभी नहीं रखोगे लेकिन बाद में कज़ा करोगे। ये नहीं कि उसको छुट्टी नहीं मिली, ये नहीं कि उसको बाद में रखे ही नहीं, तो सिर्फ छोड़ने की इजाज़त है कि रमज़ान के अंदर रोज़ा फ़र्ज़ है, अगर तुम सफ़र में हो या बीमार हो तो अब तुम उसको रोज़े को अगर तुम छोड़ते हो तो बाद में सेहत आने के बाद उसको पूरा करना है, और अगर सफ़र ख़त्म हो जाए या तुम मुकीम हो जाओ तो फिर एक्चुअली आसानी की वजह से।